नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नई डिज़ाइन लाई हूँ। तो ये थालापोश की डिज़ाइन है, देखिए ये बहुत ही बड़े साइज़ का है और मैं इसे बनाना आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको इसे बनाने में बहुत इजी होगा। तो मैं इसे बनाना आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये 45 सेंटीमीटर का है, आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको इससे छोटा बनाना है तो आप, मैं वीडियो में बता दूंगी कि आप कहाँ पे इसे बंद कर सकते हैं कि वहाँ पे भी आपको ये अच्छा दिखेगा। तो अगर तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसे बनाना। ये बनाना बहुत ही इजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आप सेम टू सेम ऐसे ही बना सकते हैं। और कलर आपको जो भी पसंद है वो कलर आप यूज़ करें। मुझे ये लाइट कलर में बनाना था तो मैंने ये कलर यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रेड कलर यूज़ करेंगे। तो रेड मैंने ले लिया है, अब इसमें हम लोग गार्ड बना लेंगे पहले। तो देखिए गार्ड बना लिया, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे। फिर फर्स्ट वाले के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे स्टार्ट कर देंगे, 2 3 4, ऐसे करके 16 बार, ठीक है। 16 टाइम हमें यही चाहिए। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 16 बार डबल क्रोशेट बना लिया है। अभी इसे मैं ज्वाइन कर लूँगी फर्स्ट चेन के लिए साथ, ठीक है। फर्स्ट चेन के साथ यहाँ पे जो फर्स्ट तीन तीसरा लाइन पे हम लोग ने इसे ज्वाइन कर दिया। तो देख सकते हैं ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाले यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे एक बार, फिर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अभी ये धागा हम लोग काट देंगे, ठीक है। ये धागा हमें यहाँ पे कट करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे, वो है येलो, ठीक है। येलो मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट फर्स्ट हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 चेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जहाँ पे, यहाँ पे डबल क्रोशेट, ठीक है। एक, ये देखिए, फिर यहाँ पे एक चेन लेना है, फिर यहाँ पे फिर से डबल क्रोशेट, ठीक है, ऐसे कर। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे 3 चेन लिया है। अभी यहाँ पे 1 2, टोटल 5 चेन लेना है। और नेक्स्ट वाले लाइन पे यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है और यहाँ पे डबल क्रोशेट लेना है, ठीक है। फिर से 1 2 चेन, फिर यहाँ पे एक बार डबल क्रोशेट, ठीक है। फिर से 2 चेन, फिर से डबल क्रोशेट, ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन ख़त्म कर ली है। अभी ये यहाँ पे हम लोगों ने 2 चेन भी ले लिया। अभी तीसरे नंबर पे हम लोग इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से ऐसे करके रखा है, ठीक है। अभी मैं ये कलर कट कर रही हूँ। अभी हम लोग दूसरा कलर यूज़ करेंगे। तो दूसरा मैं ये कलर लूँगी, स्काई कलर, ठीक है। तो इसे पहले मैं ज्वाइन कर लेती हूँ।
येलो वाला खींच के टाइट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले मैं इसे ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यही पे फिर से डबल क्रोशेट और एक बार, फिर और एक बार डबल क्रोशेट, मतलब तीनों बार। देखिए, देख सकते हैं आप, 3 बार डबल क्रोशेट हमें लेना है। तो ऐसे करके लेने के बाद मैं यहाँ पे फिर से 1 2 चेन बनाऊंगी, फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे जाके फिर से हम लोग डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 बार, 2 और 1 3। ठीक है, 3 बार डबल क्रोशेट हो गया। ऐसे करके ये लाइन कंप्लीट है करना है। ठीक है, 2 चेन लेना है बीच बीच में और ऐसे करके बनाना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये अभी ये बनाने के बाद अभी मैंने यहाँ पे इसे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 2 स्लिप स्टिच लिया, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच लेके यहाँ तक आई। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशेट लिया। ठीक है, ऐसे करके लेने के बाद यहाँ पे हम लोग अभी ये धागा काट देंगे। ठीक है, अभी ये धागा हमें नहीं चाहिए, हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं पिंक कलर लूँगी। ठीक है, अभी पिंक कलर हम लोग इसे ज्वाइन कर लेते हैं। स्काई कलर को खींच लिया। अभी यहाँ से हम लोग इसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 हो गया। अभी यहाँ पे फिर से हम लोग बनाएंगे डबल क्रोशेट 2 बार और लास्ट 1 बार 3 बार। ठीक है, यहाँ पे भी 3 बार हमें बनाना है डबल क्रोशेट। ठीक है, 3 बार डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम लोग चेन बनाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, और 5 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर से हम लोग डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए, ऐसे करके हमें ये लाइन फिनिश करनी है। ठीक है, तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। अभी ये धागा मैं काट रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने स्लिप स्टिच से सेंटर पोजीशन पे आ गई हूँ। अभी मैं इसे ज्वाइन करूँगी नेक्स्ट कलर से। तो अभी मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। जैसे हर एक कलर मैंने ज्वाइन किया है वैसे करके इसे ये पिंक कलर को खींच के थोड़ा सा टाइट करके अभी मैं यहाँ पे चेन बनाना स्टार्ट करूँगी। 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाना है 1 और 1 बार 2 बार। ठीक है, मतलब हो गए टोटल 3 डबल क्रोशेट। ठीक है, यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 चेन, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशेट 1 2 3। ठीक है, फिर से यहाँ पे 1 2 3 4। ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है।
अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए मैं ये धागा पहले काट रही हूँ, फिर नेक्स्ट लाइन में बनाऊंगी दूसरे कलर से। दूसरा कलर हम लोग अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये है येलो कलर, ठीक है, ये जो पहले हम लोगों ने यूज़ किया था वही कलर। एक्स्ट्रा और कलर नहीं चाहिए, यहाँ पे जितना सारा कलर मैंने यूज़ किया है उसी से ही बनाएंगे, ठीक है। फिर येलो कलर इसे ज्वाइन कर लेते हैं, एक दो तीन चेन हो गया। फिर यहाँ पे एक बार डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पे एक दो तीन डबल क्रोशेट, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक बार हर एक जगह पे अभी डबल क्रोशेट बनाते जाना है। ये देखिए, यहाँ तीनों के ऊपर तीन डबल क्रोशेट और ये गैप में तीन बार, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा चेन नहीं लेना है आपको, ऐसे ही डबल क्रोशेट बनाते जाना है, ठीक है। देखिए ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा फैला दीजिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है, तो पहले मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है, तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। तो अभी हम लोग ये धागा काट लेंगे और फिर से हम लोग दूसरा कलर यूज़ करेंगे, तो वो होगा स्काई कलर, ठीक है। स्काई कलर को हम लोग फिर से उंगली में फिरा लेते हैं, फिर यहाँ पे अटैच कर लेंगे। पहले देखिए, पहले अटैच करने के बाद येलो कलर को थोड़ा सा खींच के टाइट कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन मैंने ले लिया। अभी यहाँ पे देखिए, ये छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन पे हम लोग फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर हम लोग एक दो चेन, फिर से एक छोड़ के फिर से नेक्स्ट में, ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ, हर यहाँ पे दो चेन और यहाँ पे दो, ठीक है, एक दो दो छोड़ के फिर यहाँ पे, ऐसे करके पहले मैं बना लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और ये कलर मैंने यहाँ पे ख़त्म कर लिया और मैंने इस धागे को काट लिया है। अभी हम लोग ने ये रेड कलर हम लोग यूज़ करेंगे इसके बाद। तो रेड कलर मैं पहले इसे ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर पहले इसे अटैच कर लेंगे, फिर एक दो तीन चेन हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, एक दो तीन और एक ही बारी में निकालना है, ठीक है, देख सकते हैं, इसे एक ही बारी में ऐसे करके निकाल देना है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग निकालने के बाद एक दो चेन और एक तीन चेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर से सेम प्रोसेस में बनाना है, एक दो और एक तीन, ठीक है। फिर ऐसे निकाल दीजिए, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे फिर से नेक्स्ट लाइन पे दो और तीन, फिर इसे निकाल दीजिए, ऐसे करके आपको ये लाइन ख़त्म करनी है। तो ये देखिए, पहले यहाँ पे तीन चेन चाहिए ऊपर में और यहाँ पे तीन डबल क्रोशेट, ठीक है। तो पहले इसे मैं बना लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन ख़त्म कर ली है, अभी मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पे एक दो तीन तीसरे नंबर पर मैंने इसे ज्वाइन कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए। अभी ज्वाइन करने के बाद एक स्लिप स्टिच लूँगी, फिर यहाँ पे एक बार
ठीक है। ऐसे करके फिर मैं ये धागा काट कर रही हूँ। अभी ये रेड कलर हटा के फिर मैं यूज़ करूँगी पिंक कलर। तो पिंक कलर पहले मैं ले रही हूँ। अभी देखिए इसे अटैच कर लेती हूँ फर्स्ट। ये टाइट कर लिया। अभी एक दो तीन चेन, फिर यही पे एक और दो डबल क्रोशेट, फिर एक ही बारी में निकालना है ऐसे करके। फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे फिर से डबल क्रोशेट बनाना है तीन बार। सेम प्रोसेस जो पहले किया था वही इस लाइन में भी करना है, ठीक है। सेम तरीके से ये देखिए ऐसे करके हमें ये लाइन भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने ये लाइन फिनिश कर ली है। अभी मैंने यहाँ पे तीन चेन भी बना लिया है, ये देख सकते हैं आप। अभी मैं इसे ज्वाइन करूँगी यहाँ पे एक दो तीन, तीसरे नंबर पे मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ। ये देखिए ज्वाइन कर लिया मैंने, और एक स्लिप स्टिच ले ले रही हूँ। अभी यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशे, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं ये धागा कट कर रही हूँ। अभी हमें पिंक कलर और नहीं चाहिए, पिंक कलर साइड पे रख के मैं वाइट कलर यूज़ करूँगी। अभी वाइट कलर मैं यूज़ करूँगी, तो वाइट कलर पहले ले रही हूँ, फिर मैं इसे अटैच कर लूँगी। अभी ये पिंक कलर को थोड़ा सा टाइट करके अभी मैं यहाँ पे एक दो, ये देखिए तीन चेन हो गया। फर्स्ट में जो लिया था वो एक दो और तीन, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशेट, और ये दूसरा डबल क्रोशेट, टोटल हो गए तीन डबल क्रोशेट, ठीक है। अभी यहाँ पे चेन चाहिए एक दो तीन चार पाँच चेन, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक दो, एक और ये तीन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच चेन, ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ ऐसे करके देखिए, ऐसे करके हमें ये लाइन बनाना है। तो पहले मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। अभी मैं इसे ज्वाइन कर दूँगी यहाँ पे एक दो तीन, तीसरे लाइन पे मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लूँगी, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक दो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार एक चेन, फिर ये धागा मैं कट कर रही हूँ, और फिर मैं ये वाला स्काई कलर यूज़ करूँगी, ठीक है। तो पहले इसे उंगली में पिरो लेती हूँ। तो अभी देखिए मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे मैं एक चेन ले रही हूँ, चेन ले लिया मैंने। अभी यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ चेन, ठीक है। टोटल आठ चेन ले लिया मैंने, और फिर मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशेट लूँगी, देख रहे हैं। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशेट। तो देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसा दिखेगा। पांच चेन लेना है और एक डबल क्रोशेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए आठ लिया था कि यहाँ पे तीन चेन मुझे यहाँ पे डबल क्रोशेट की जगह चाहिए, और यहाँ पे पांच चेन चाहिए। तो ऐसे करके मैं पहले ये लाइन फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए दोस्तों मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। तो देखिए ये कैसा दिख रहा है अभी।
इसका शेप अभी इतना समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो फिर इसका शेप जो है वो अच्छा दिखेगा। तो पहले मैं इसे कट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, तो अभी मैं यहाँ पे अंदर से एक सिंगल क्रोचेट ले रही हूँ। ये देखिए मैंने ले लिया। अभी मैंने ये काटना है ये धागे को, पहले मैं इसे काट रही हूँ। अभी फिर मैं वाइट कलर यूज़ करूँगी इसमें, ठीक है। फिर से मैंने वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए। अभी ये स्काई कलर को थोड़ा सा खींच के टाइट कर लिया मैंने। अभी देखिए यहाँ पे मैं इसे एक सिंगल क्रोचेट से मैंने इसे जॉइन कर दिया, फिर एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोचेट एक बार और ये दो बार, टोटल हो गए तीन, ठीक है। पहले चेन और फिर दो बार डबल क्रोचेट, फिर यहाँ पे एक दो तीन चार, ठीक है, चार चेन मैंने ले लिया। फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोचेट, फिर दो डबल क्रोचेट और फिर तीन डबल क्रोचेट, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को। फिर यहाँ पे फिर से एक दो तीन चार चेन, फिर से नेक्स्ट लाइन पे फिर से डबल क्रोचेट स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है, तो पहले इसे मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैंने चार चेन भी ले लिया है। अभी मैं यहाँ पे इसे ज्वाइन करूँगी, एक दो तीन, तीसरे नंबर की चेन पे मैं इसे ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए एक स्लिप स्टिच और एक स्लिप स्टिच लेंगे, दो स्लिप स्टिच लेना है और एक चेन, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी ये धागे को मैं अभी कट कर रही हूँ। अभी मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी, तो वो लूँगी मैं येलो, ठीक है। वाइट के बाद फिर से मैं येलो कलर यूज़ करूँगी, ठीक है। मैंने येलो कलर ले लिया है, उंगली में पिरो भी लिया है। अभी मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ, कर लिया। अभी इसे मैं एक बार सिंगल क्रोचेट लूँगी, फिर एक दो तीन चेन, सॉरी तीन चेन, फिर यहाँ पे ही डबल क्रोचेट बनाऊँगी दो बार, एक और ये दो, दो बार डबल क्रोचेट बना रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैं एक दो तीन चार चेन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोचेट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार चेन, फिर यहाँ पे फिर से डबल क्रोचेट, एक दो तीन, ठीक है। ये देखिए अभी ऐसा करके हमें बनाना है। फिर से एक दो तीन चार चेन, फिर यहाँ पे एक फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोचेट, एक दो और तीन, ऐसे करके हमें ये लाइन फिनिश करना है। तो देखिए ये वाला, ठीक है। तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए दोस्त, मैंने ये बना लिए हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये चार चेन ले लिया है। अभी यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे मैं इसे ज्वाइन कर लेती हूँ, सॉरी। अभी मैं इसे इस पर ज्वाइन कर रही हूँ, देखिए। फिर यहाँ पे फिर और एक स्लिप स्टिच, सॉरी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं लेना है। यहाँ पे मैं इसे धागे को अभी कट कर रही हूँ, ठीक है। ये धागा हम लोग साइड कर लेते हैं और अभी हम लोग फिर से स्काई कलर यूज़ करेंगे। स्काई कलर से मैं फिर से नेक्स्ट लाइन बनाऊँगी। तो पहले मैं इसे बनाती हूँ,
तो पहले मैं इसे अटैच कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखें, पहले हम लोग एक दो तीन चेन बना लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में भी, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पहले एक चेन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बनाने के बाद हम लोग पहले यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल सिंगल स्टिच लेंगे, ठीक है। सिंगल क्रोचेट तीन बार बनाना है, फिर हम लोग एक दो तीन चार पांच चेन, ठीक है। पांच चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोचेट बनाना है, एक दो और ये तीन। ये देखिए, फिर से हम लोग एक दो तीन चार पाँच चेन और फिर से सिंगल क्रोचेट, ठीक है। पहले यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ के, यहाँ से अंदर से हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। एक सिंगल क्रोचेट, फिर दूसरा सिंगल क्रोचेट, फिर और एक बार, तीसरी बार सिंगल क्रोचेट, ठीक है। ऐसे करके एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अभी फिर से हम लोग सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, तो ऐसे करके आपको ये लाइन कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो देखिए अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन फिनिश कर ली है, अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये कलर कट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसे कट कर रही हूँ, अभी मैं इसे हटा रही हूँ। अभी हम लोग पिंक कलर यूज़ करेंगे इसमें, तो पिंक कलर मैं ले रही हूँ, उंगली में पिरो लिया। अभी हम लोग इसे अटैच करेंगे, ठीक है। ये उंगली में मैंने इसे अटैच कर लिया। अभी यहाँ पे मैं इसे एक सिंगल क्रोचेट कर दूंगी, ये देखिए। फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, सॉरी तीन चेन, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोचेट बनाएंगे, दो, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल क्रोचेट तीन, और ये जो गैप लिया था हम लोगों ने, ये वाला, यहाँ पे हम लोग छः बार डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच और एक बार छः बार, ठीक है। ये देखें, छः बार हम लोगों ने बना दिया। फिर हम लोग यहाँ पे एक दो और ये तीन, फिर से हम लोग यहाँ पे छः बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः। ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो देखिए, तो ऐसे करके ये लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो पहले मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन भी फिनिश कर ली है, तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, मैंने ये स्काई कलर यूज़ किया था, वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी अभी हम लोग यहाँ पर ये लाइन मैंने बना लिया है, अभी हम लोग इसमें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक दो तीन, तीसरे नंबर पर पहले मैं इसे ज्वाइन कर लेती हूँ। ये देखिए, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्टिच लेके फिर यहाँ पे इसे कट कर दूँगी, ठीक है। ये अभी पिंक कलर मुझे नहीं चाहिए, फिर हम लोग
क्या यूज़ करेंगे, रेड कलर, ठीक है। रेड कलर मैं यूज़ करूँगी, तो अभी रेड कलर को मैं इसमें ज्वाइन कर दूँगी। पहले ये देखिए, अभी यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ एक सिंगल क्रोचेट से, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे एक दो, मतलब टोटल पांच चेन चाहिए फर्स्ट में, ठीक है। देखिए फर्स्ट में मैं पांच चेन ले रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक दो छोड़ के फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, ठीक है। फिर से एक दो चेन, ठीक है, फिर एक दो छोड़ के नेक्स्ट पे, फिर यहाँ पे एक दो चेन, फिर एक दो दो छोड़ के, फिर यहाँ पे एक सिंगल डबल क्रोशेट, ऐसे करके तो देखिए दिख रहे हैं, एक दो दो चेन छोड़ के फिर मैंने डबल क्रोशेट बनाया, फिर दो चेन लेना है ऐसे करके, फिर यहाँ पे एक दो दो छोड़ के फिर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके ये लाइन फिनिश करनी है। तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है, तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। ये अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन जाने के लिए पहले मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है, देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट लेंगे, सेंटर पोजिशन पर आ गए। अभी हम लोग ये धागा कट कर लेंगे, हाँ। तो कट करने के लिए मैं पहले ये कट कर रही हूँ, तो ये धागा मैंने कट कर लिया है, और इसे मैं अभी रेड कलर को सेट कर लेती हूँ। अभी मैं स्काई कलर यूज़ करूँगी, ठीक है, स्काई कलर यूज़ करूँगी। उसके लिए सबसे पहले इसे अटैच कर लेती हूँ, अटैच कर लिया। अभी यहाँ पे मैं इसे ज्वाइन करूँगी, एक दो तीन चेन, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से डबल क्रोशेट बनाऊँगी, यहाँ पे एक बार दो बार तीन बार, और एक ही बारी में निकाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो चेन, फिर से यही पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, एक दो डबल क्रोशेट और ये तीन डबल क्रोशेट बना के फिर इसे निकालना है ऐसे करके। तो देखिए दोस्तों, ऐसे करके निकालने के बाद हम लोग एक दो तीन चेन बनाएंगे, ठीक है। बनाने के बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पे ये एक छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन पे हम लोग एक बार ऐसे करके बनाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे एक दो तीन चेन, ठीक है, तीन चेन लेने के बाद, तीन चेन बनाने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे जाके फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर से हम लोग एक को गैप करके फिर यहाँ पे हम लोग फिर से बनाएंगे डबल क्रोशेट तीन बार, ठीक है। एक ही बारी में निकाल दीजिए, तो दो चेन, फिर यहाँ पे फिर से हम लोग बनाएंगे एक दो और तीन डबल क्रोशेट, फिर से हम लोग इसे निकाल देंगे, ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर एक दो तीन, फिर एक सिंगल क्रोशेट, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोचेट, ये देखिए। अभी ऐसे करके ये लाइन ख़त्म करनी है, तो ये लाइन पहले मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बहुत सारी लाइन मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। पहले तो देखिए, मैंने ये जो लाइन मैंने बनाई थी, ये देखिए, ये लाइन जो मैंने बनाई थी, ये मैंने आपको बनाना सिखाई थी।
कि ये कैसे बनाना है। ये देखिए ये बहुत बड़ा बन गया है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे फिर येलो कलर लिया, तो जहाँ पे मैंने ये तीन चेन लिया था और सिंगल क्रोशेट लिया था वहाँ पे मैंने फिर से ये वाला चीज़ तीन करके डबल क्रोशेट और फिर तीन चेन ऐसे करके लिया था, सॉरी दो चेन ऐसे करके लिया था। ऐसे करके आपको सेम चीज़ करना है लेकिन उल्टा करना है कि यहाँ पे वो वाला लेना है और यहाँ पे वो सिंगल क्रोशेट लेना है। देखिए अल्टरनेट करके मैंने किया है, देखिए देख सकते हैं सेम प्रोसेस में। एक एक बार भी मैं दिखाने में वीडियो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा बना के फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए रेड कलर में मैंने लास्ट में किया है, तो वाइट और रेड में देखिए जैसे यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशेट लिया था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डबल क्रोशेट तीन बार करके ले रही हूँ। ऐसे करके आपको ये बनाना है। पहले आप इसे बना लीजिए फिर आप लास्ट का जो भी पार्ट है वो आप बनाइएगा। तो पहले मैं इसे कट कर लूँगी फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये धागा अभी कट करूँगी, ठीक है। तो ये धागा मैंने ख़त्म कर लिया। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे दूसरा कलर लेंगे येलो कलर, ठीक है। जो येलो कलर से हम लोग बना रहे थे वही येलो कलर अभी लेंगे। लेने के बाद अभी पहले इसे मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। इसे ज्वाइन कर लेती हूँ फर्स्ट। हाँ यहाँ पे ये देखिए हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को चेन लेना है, ठीक है। एक दो तीन चेन देखिए, फिर यही पे और एक बार डबल क्रोशेट, तीन हो गया डबल क्रोशेट, फिर चार डबल क्रोशेट, फिर पांच, फिर छः और एक सात बार डबल क्रोशेट, ठीक है। ये देखिए बना लिया। ऐसे करके आपको बनाना है फर्स्ट हाफ में। ये यहाँ पर डबल क्रोशेट बनाइए, फिर यहाँ पे देखिए एक दो तीन चेन, ठीक है, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशेट जैसे मैंने यहाँ पे पहले बनाया था, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था जी कैसे बनाना है। पहले फर्स्ट सिंगल क्रोशेट, फिर यहाँ पे तीन चेन, फिर यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशेट, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे एक दो, सॉरी एक ही बार में निकालना है, एक दो फिर तीन चार पाँच छः और सात डबल क्रोशेट। ऐसे करके ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो पहले आप लोग ये वाला लाइन जहाँ पे देखिए मैंने एक दो तीन चार पाँच छः लाइन मैंने ये वाला सेम पैटर्न में बनाया है। यहाँ पे कोई नंबर भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, सेम प्रोसेस में करते जाइए, ये बड़ा होते जाएगा, ठीक है। पहले आप ये छः लाइन कंप्लीट कर लीजिए फिर आप ये लाइन बनाएंगे, ठीक है लास्ट में। तो देखिए दोस्तों मैंने ये लाइन भी ख़त्म कर ली है। तो अभी ये कुछ देखिए ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने कोई गैप नहीं लिया है, सिर्फ सात बार डबल क्रोशेट बनाया है जैसे मैंने दिखाया था फर्स्ट में। तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। तो अभी हम लोग ये धागा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है अभी ज्वाइन करने के बाद ये धागे को हम लोग कट कर लेंगे। तो पहले मैं एक क्रोशेट ले, सॉरी यहाँ पे हम लोग अभी काट लेंगे, ठीक है। अभी येलो कलर मुझे और नहीं चाहिए तो इसलिए येलो कलर मैं हटा रही हूँ। अभी मैं स्काई कलर यूज़ करूँगी, तो स्काई कलर मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो स्काई कलर मैं ले रही हूँ। अभी देखिए दोस्तों अभी स्काई कलर से मैं
यहाँ पे देखिए, पहले इसे ज्वाइन कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोचेट, फिर एक दो तीन चेन। अभी देखिए, तीन चेन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दो चेन लेंगे। ठीक है, एक दो, दो चेन ले रहे। अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे जो है, नेक्स्ट लाइन पे, सॉरी दो चेन नहीं, एक चेन, चार चेन लेंगे और ये नेक्स्ट लाइन पे फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, हर एक लाइन पे डबल क्रोशेट बनाना है, एक चेन और एक डबल क्रोशेट। ठीक है, फिर से एक चेन और एक डबल क्रोशेट, ऐसे करके यहाँ तक आने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। अभी देखिए, ये मैंने बना लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे एक चेन लेंगे। देखिए, एक चेन ले लिया मैंने, और जी लास्ट में करने के बाद अभी फिर से हम लोग इसके अंदर सिंगल क्रोचेट, ठीक है, इसके अंदर सिंगल क्रोचेट डालेंगे। चेन लेने के बाद फिर से एक चेन, फिर से यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, फिर एक चेन, फिर यहाँ, फिर एक चेन, फिर से यहाँ, ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो पहले मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। तो देखिए यहाँ पे साइड पे देखिए, मैं ये बनाने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है तो प्लीज़ आप यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए, लेकिन मैं इसे और लाइन बनाऊंगी यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा बन गया है, आपको जितना चाहिए आप उतने में ही ख़त्म कर सकते हैं, तो लेकिन मैं इसे और थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा एक दो लाइन और बनाऊँगी। तो पहले मैं इसे अटैच कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक चेन लिया हुआ है, यहाँ पे एक चेन लिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए, एक दो तीन, तीसरे लाइन पे हम लोग इसे जॉइन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, अभी यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ये धागा काट लेंगे। ठीक है, दूसरा कलर अटैच करेंगे। अभी ये स्काई कलर हटा रही हूँ, अभी इसकी और ज़रूरत नहीं है। अभी पिंक कलर में मैं ये लाइन बनाऊंगी। तो पहले पिंक शेड मैं दे रही हूँ, ठीक है। अभी देखिए, ये पहले मैं इसे ज्वाइन कर लेती हूँ। इसे ज्वाइन कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने एक चेन ऐसे सिंगल क्रोचेट ले लिया। अभी यहाँ पे एक दो तीन, देखिए, फिर यहाँ पे ऐसे डाल के अंदर से एक दो तीन और चार बार, ठीक है, फिर एक बार में निकाल दीजिए। फिर यहाँ पे एक दो चेन, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर से जाओ, सॉरी, एक दो, एक मिनट, यहाँ पे जाके फिर एक दो तीन और चार, ठीक है, फिर इसे निकाल दीजिए। फिर एक दो चेन, फिर यहाँ पे एक दो तीन और चार, फिर एक दो चेन, फिर से यहाँ पे एक दो तीन और चार बार, ठीक है, फिर यहाँ पे एक दो तीन, दिख रहा है आप लोगों को। अभी देखिए, फिर से यहाँ पे एक दो तीन और एक लास्ट चार,
ठीक है, फिर एक दो चेन, फिर यहाँ पे एक दो तीन और चार। यहाँ पे होने के बाद, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। एक दो तीन और एक लास्ट चार बार, ठीक है। ये होने के बाद फिर से यहाँ पे एक दो चेन, ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे कोई गैप नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप चले जाओ और यहाँ पे जैसे लेना है वैसे लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन ख़त्म कर ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइन बहुत ही प्यारा दिख रहा है, देखिए साइड में। अभी ये हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ मैंने एक चेन लेके छोड़ दिया। और ये चेन लेने के बाद अभी मैं इसे यहाँ पे ज्वाइन करूँगी, सॉरी यहाँ पे तीसरे नंबर पे, ठीक है, ये वाला तीसरे नंबर पे, यहाँ पे मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ। ये ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे मैं एक, देखिए यहाँ पे मैं इसे कट कर दूँगा, कट कर लिया मैंने इसे। अभी पिंक कलर हमें नहीं चाहिए, अभी मैं लास्ट लाइन बनाऊँगी जो बॉर्डर लाइन होगा, तो उसके लिए मैं रेड कलर यूज़ करूँगी। तो पहले मैंने उंगली में पिरो लिया, अभी देखिए मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पे रेड कलर। ये देखिए अभी ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे, ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट ले रही हूँ। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे ऐसे करके, देखिए पहले मैंने यहाँ पे तीन चेन बना के फिर यहाँ पे एक बार किया, फिर एक दो चेन बना के फिर से यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशेट लूँगी एक ही जगह पे, ठीक है ऐसा। फिर यहाँ पे एक दो तीन, फिर यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे एक दो चेन, फिर यहाँ पे एक बार, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। अभी यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे एक बार, देखिए ये डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः चेन, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोचेट ऐसा लेंगे, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। होने के बाद फिर एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे एक बार, ठीक है, फिर यहाँ पे एक दो चेन, फिर यहाँ पे एक बार, इस तरीके से हमें ये लाइन बनाना है, ठीक है। एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे एक दो चेन, फिर यहाँ पे सेम जगह पे, दो चेन लेने के बाद सेम जगह पे फिर से बनाना है। फिर एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे एक दो, फिर यहाँ पे, ये देखिए ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो पहले मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ, और ये लाइन फिनिश करने के बाद मैं आपको एक फ़ोटो में जैसे आप लोगों ने देखा है कि मैंने ये कैसे बनाया है, लास्ट में कैसे दिख रहा है, आप वहीं पे देख लीजिएगा। लेकिन आपको ऐसे करके कंप्लीट कीजिए तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो ये वीडियो मैं आज यहाँ पे ही ख़त्म कर रही हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर दूंगी।
कहाँ पे प्रॉब्लम है आप बताइएगा, मैं ज़रूर बोलूँगी। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।